नमस्कार, श्री अन्नपूर्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते सभी को बहुत पसंद होते हैं। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जी आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम की लौकी ली थी, जिसे मैंने छील करके अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद छोटे वाले ग्रेटर से इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से निचोड़ करके इसका पानी निकाल लेंगे। जितना हो सके अच्छी तरह से दबा करके इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसे दूसरे बाउल में डाल देंगे। मैंने लौकी का पूरा पानी निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर ताजी लौकी ली थी, इसलिए देखिए काफी ज्यादा पानी निकला है। इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा जीरा पाउडर, एक हरी मिर्च कट करके, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। मैंने दो ब्रेड लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह से क्रम्बल कर लिया है, इसे भी इसमें ऐड करेंगे। आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड करें, वरना रहने दीजिए। ब्रेड को क्रम्बल करके डालने से लौकी के कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेड का चूरा डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, कटोरी बेसन लिया है मैंने इसमें डालने के लिए। पूरा बेसन एक साथ में नहीं डालेंगे, आधा बेसन पहले डालेंगे, उसके बाद बाकी का बेसन ऐड करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लिया है, लेकिन यह अभी थोड़ा गीला है। इसमें हम थोड़ा सा दो चम्मच बेसन और ऐड करेंगे, फिर से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। गैस को ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है कोफ्ते तलने के लिए। लगभग 300 ml तेल ऐड किया है मैंने यहाँ पर। रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है, इन दोनों टमाटर और दो मिर्च की प्योरी तैयार कर लेंगे। टमाटर की प्योरी बना करके तैयार कर लिया है, अब हम कोफ्ते तलेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर हम कोफ्ते तलेंगे तो कोफ्ते जल जाएंगे। लौकी का मिक्सर लेंगे और उसे इस तरह से बना करके कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ध्यान रखिए कि तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, वरना कोफ्ते जल जाएंगे और अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे भी नहीं, इसलिए फ्लेम को मीडियम रखें। थोड़ी देर के बाद हम इन्हें पलट देंगे। हमें इन्हें पलट करके चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। कोफ्ते अच्छी तरह से तल गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक बार के कोफ्ते तलने में मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लगा। इसी तरह हम सभी कोफ्ते तल करके तैयार कर लेंगे। मैंने सभी कोफ्ते तल करके तैयार कर लिए हैं। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए एक कटोरी लेंगे, उसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला,
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑन करके गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा 1 चम्मच और आधा चम्मच सरसों के दाने। इसी के साथ में ऐड करेंगे तेज पत्ता, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, चॉप की हुई प्याज ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो सब्जी बनने के बाद दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची को बाहर निकाल सकते हैं। दालचीनी और बड़ी इलायची डालने से इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मिक्स किया हुआ बेसन में जो हमने मिक्स किया था मसाले, उन सभी को इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने इन सभी मसालों को एकदम स्लो फ्लेम पर भून लिया है अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। प्याज भी अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी, गैस का फ्लेम मैंने हाई से थोड़ा कम रखा है। अब कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसे भी टमाटर के साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 चम्मच दही। गैस का फ्लेम एकदम धीरे कर देना है और इसे लगातार बराबर चलाते रहना है। दही डालने के बाद बिना रुके बराबर इसे चलाना है, वरना दही फट जाएगी और सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। दही पक गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। दो ग्लास पानी ऐड किया है। उसके बाद ये बचा हुआ लौकी का रस भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। अब हम इसे ढक करके उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं ढका है, थोड़ा सा साइड में छोड़ दिया है, जिससे गैस अगर पूरी तरह से अंदर बनेगी तो पानी बाहर आने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा छोड़ दिया है। पानी में एकदम अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। और इसे इसी तरह से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच गरम मसाला। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। कोफ्ता भी एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, खाने के लिए लौकी का कोफ्ता बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी कोफ्ता बनकर के तैयार हुआ है। आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें।